था उसके लिए, जिसने जिसने मेरे को कमेंट किया था, जिसने जिसने मेरे को सब कुछ डीएम किया था फ्लेवर के लिए, जो जो मैंने स्टोरी डाला था उसमें, जिसने जिसने मेरे को रिप्लाई दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जो रिप्लाई नहीं करता तो करो जाके रिप्लाई, आप रिप्लाई नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, बट रिप्लाई करोगे तो अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगने के लिए आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, तो रिप्लाई करा करो। तो मेरा वीडियो पूरा रेडी है, मैंने चार्ट बना दिया हूँ क्या क्या बताना है क्या क्या नहीं बताना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो मेरे को मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ, मैं फ्लेवर बना के दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे डीएम आए, तो मुझे बताने जाओगे तो मेरे को 16 मिनट का 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, जो कि आप देखोगे नहीं। मुझे मालूम है आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपको 16 मिनट इतना टाइम तो नहीं होगा, आप देख देख के आप स्किप कर दोगे तो मजा नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया होगा, मैं जितना भी था स्ट्रांग मीडियम माइल्ड, और तीन पान का एक बंदे ने मेरे को डीएम कमेंट किया था यूट्यूब पे कि मेरे को तीन पान का कॉम्बिनेशन बताओ, तो वो भी बताने वाला हूँ इसमें वीडियो में। तो आपको ये करना है, खाली आपको कंटिन्यू रहना है, क्योंकि मैं एक ही बार में सब कुछ बताने वाला हूँ परसेंटेज के साथ और फ्लेवर के साथ, तो आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते, आ जाओ। तो पहला जो कमेंट था अपना स्ट्रांग में, जो स्ट्रांग में हमारे एक भाई थे कोई, उनने बोला था कि स्ट्रांग में बताओ, तो उनने ये भी बोला था कि तीन पान में बताने, तीन पान का मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा कि तीन पान का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बट उसके पहले मैं तीन स्ट्रांग में कौन सा फ्लेवर आता है मैं वो आपको समझाता हूँ। तो स्ट्रांग अगर आपको उक्का चाहिए तो आप ले सकते हो ग्रेप सुपारी सालसा, ये बहुत स्ट्रांग फ्लेवर है, जो जो फ्लेवर बता रहा हूँ वो स्ट्रांग है, जिससे कीक चढ़ सकती है, जो पहली बार पिएगा उसको तो थोड़ा हैंग ओवर होगा, चक्कर भी आ सकता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, स्ट्रांग ऑर्डर मत करना अगर आप पहली बार पी रहे तो। पहली बार पी रहे तो मैं आपको जो माइल्ड में बताऊंगा वो ऑर्डर करना, वो बेटर होगा। तो स्टार्ट करते हैं, जो पहला उक्का जो मैंने बोला आपको ग्रेप सुपारी सालसा, तो ये फ्लेवर भी बहुत कड़क है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग तो हाई मैंने बोल दिया। तो इसका परसेंटेज ये होगा कि ग्रेप जो है 70% रखना है, सुपारी जो है 10% रखना है, और सालसा जो है 20% रखना है। तो ये फिनिश हो गया। तो मैं हर एक स्ट्रांग में से, मीडियम में से, माइल्ड में से तीन तीन चार चार फ्लेवर बोलूंगा। स्ट्रांग का मैंने चार फ्लेवर रखा हूँ, तो चार फ्लेवर में बताऊंगा अभी, और तीन पेंडिंग है, एक तो हो गया और दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा जो है मोजेक मिंट रसना, तो मोजेक मिंट रसना भी बहुत स्ट्रांग है, किसी को कॉम्बिनेशन ज्यादा मालूम नहीं है, बुका मेकर लोग को मालूम है, बाकी कस्टमर्स लोग को मालूम नहीं है जो पीते। तो इसका कॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज ये होगा, मोजेक जो आपको है 60% लेना है, मिंट जो है 20% लेना है, और रसना जो है पान रसना, पान रसना मतलब अफजल का पान रसना ये जो आता है, ठीक है। तो अफजल का पान रसना जो है आपको 10% लेना है, मतलब मोजेक 60%, मिंट 20%, 10% पान रसना। ओके गाइस, अभी क्या हुआ था मालूम मेरे साथ, अभी मैंने जो वीडियो कट किया, कट करने के बाद मैंने आप से स्टार्ट किया, मैंने इतनी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट मैंने बच्चोती करके बोला बोला बोला, बाद में देख रहा हूँ रिकॉर्ड का बटन ही नहीं दबाया, बोल देगा यार। चलो फिर से स्टार्ट करते, मैं फटाफट खत्म करूंगा, और वीडियो प्लीज स्किप मत करना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा स्किप मत करना, मैंने इसमें स्ट्रांग मीडियम माइल्ड का सब कुछ बताया, और तीन पान का लास्ट में बताऊंगा कॉम्बिनेशन, तो स्किप मत करना, मैं फटाफट बताऊंगा, मुझे भी खत्म करना, मुझे बहुत सारा काम पड़ेगा। तो मोजेक तक मैंने बोल दिया था आपको, सेकंड तक स्ट्रांग में, तभी थर्ड पे आते, थर्ड जो है वाटरमेलन पान रसना है। तो वाटरमेलन पान रसना बहुत लोग नहीं पीते, क्योंकि लोगों को लगता है कि वाटरमेलन फ्लेवर अच्छा नहीं है, कचरा फ्लेवर है, टेस्ट नहीं आता है, वो ऐसा नहीं है, कोई भी फ्लेवर खराब नहीं है उक्का में से, बट बनाने आना चाहिए, डिपेंड करता है बनाने वाले पे, तो वो बना के कुछ भी बना के अच्छा दे सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपको वाटरमेलन जो है 80% लेना है, और जो पान रसना जो है 20% लेना है। तो अभी स्ट्रांग का थर्ड वाला हो गया, फोर्थ पे आते, फोर्थ का जो है ब्लूबेरी मिंट, ब्लूबेरी जो है आपको 60% लेना है, और 40% जो है मिंट लेना है, 40% मिंट भी ले सकते हो, 30% तो मेरे हिसाब से 30% अच्छा रहेगा, बट अगर आपको मिंटी और चाहिए तो 40% ले सकते हो, तो वो हिसाब से आप 50% कर देना, 50% 40% जो भी रहेगा 60% कर देना, जैसा कॉम्बिनेशन होगा मिंट और ब्लूबेरी का वैसा, बट मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा 60% आप ब्लूबेरी लेना और 30% मिंट लेना, ये अच्छा रहेगा, 70% ब्लूबेरी लेना और 30% मिंट लेना। तो स्ट्रांग का चैप्टर क्लोज होता है, अभी आते मीडियम पे, जो मीडियम जो फ्लेवर है कोई भी पी सकता है, ऐसा ये नहीं है कि आप पहली बार नहीं पीना चाहिए ऐसा वैसा, तो मीडियम जो है कोई भी पी सकता है, इसमें क्या है मीडियम सॉफ्ट फ्लेवर जो ऐसा होता है, टेस्ट भी अच्छा था फ्लेवर का और फ्लो भी अच्छा था, और चक्कर इक्कर तो कुछ आती नहीं है ऐसा कुछ, तो कभी भी पी सकते आप। तो मीडियम में आपको ये करना है, मीडियम में मैंने तीन फ्लेवर रखा हूं, तो पहला फ्लेवर जो है ऑरेंज मिंट रसना है, बहुत सेक्सी फ्लेवर है, आप ट्राई करना, सेक्सी है, ट्राई करना। तो इसका परसेंटेज जो है ऑरेंज जो है 60% डालना है, और 20% मिंट डालना है, और पान रसना जो है 20% डालना है, 20 40 और यहाँ पे 60, ये बहुत दिमाग में खाता है भाई परसेंटेज, क्योंकि हम लोग को आदत है ना ऐसे से डाल के, मतलब अभी हम लोग को हैबिट, हम लोग डाल सकते हैं बट हैबिट नहीं ऐसा क्या, तो परसेंटेज के हिसाब से नहीं लेते हम लोग, हम लोग को एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग इतना ले लेते, हम लोग के हाथ में जितना जजमेंट होता है, अभी आपको परसेंटेज में देखने आगे तो ग्राम करके ऐसा करके डालना पड़ता है, तो वो मैं अपने दिमाग से यहाँ पे लिखा हूँ, तो सेम ही है। तो ऑरेंज मिंट पान रसना हो गया जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी सेकंड पे आते हैं, सेकंड जो है कीवी ग्रेप मिंट, कीवी ग्रेप मिंट बहुत चलता है बट टेस्ट अच्छा आता नहीं है बहुत लोगों, क्योंकि उक्का मेकर जो अच्छे से बना नहीं पाता है,
तो इसके लिए आपको परसेंटेज बता रहा हूँ वो का मेकर जो जाके बताओ क्या ड्रीकिंग ब्लॉग से सीखा है ऐसा सा कुछ मेरा थोड़ा प्रमोट कर देना वहाँ पर। तो 35% कीवी लेना है, ग्रेप जो है 35% लेना है, मिंट जो है 30% लेना है। तो ये अपना क्लियर हो गया। अभी थर्ड पे आते हैं, लास्ट फ्लेवर जो मीडियम का है। तो मीडियम का जो ये तो बहुत लोगों को मालूम होगा, मुंबई के लोग को मोस्टली मालूम होगा, गुजराती लोगों को, तो वो है मकाई पान सालसा। मकाई पान सालसा का आपको परसेंटेज इतना रखना है, ये गुजराती लोग को बहुत मालूम है और जो पान फ्लेवर पीता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये फ्लेवर। तो आपको इसका परसेंटेज ऐसा लेना है कि मखाई पान जो है मखाई पान रॉयल स्मोक का लेना है, रॉयल स्मोक कंपनी का, और सालसा जो है केवा का लेना है। तो मखाई जो है 60% लेना है और सालसा जो है 40% रखना है। तो मीडियम का भी चैप्टर क्लोज होता है। अभी आते हैं माइल्ड पे, जो फर्स्ट टाइम भी पी सकते, सेकंड टाइम भी पी सकते, थर्ड टाइम भी पी सकते, डेली भी पी सकते और फ्रेश होने के लिए पी सकते कि जो फ्रेश होने के अगर फील होना है थोड़ा माइल्ड फ्लेवर में। और ये बता रहा हूं आपको मैं बात, कीवी जो फ्लेवर है वो सबसे माइल्ड फ्लेवर है, कीवी और वेनिला, कीवी और वेनिला सबसे माइल्ड फ्लेवर है। कीवी वेनिला कॉम्बिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, ओके, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात नहीं चल रही, यहाँ पे जो बात चल रही है फ्लेवर की बात चल रही है। जैसा मिंट हो गया वो मिंट बहुत ज्यादा मिंट आता ठंडा आता आपको मालूम है जैसे, तो वेनिला अगर प्लेन लोगे तो वो माइल्ड फ्लेवर होगा, फ्लेवर खाली हल्का हल्का वेनिला का आएगा और स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहता है, अच्छा लगता है। तो ये माइल्ड फ्लेवर है वेनिला, और कीवी भी सिंगल आप पीगे तो माइल्ड फ्लेवर जैसा आप पीते आपको मालूम है। तो कीवी जो है मीडियम माइल्ड में बता रहा हूँ मैं कीवी का कॉम्बिनेशन। तो तीनों कीवी का मैंने तीन रेसिपी रखा हूँ माइल्ड में और तीनों भी कीवी का है, अलग अलग मिक्सअप है, तो देखते क्या है। तो पहला जो है कीवी पान रसना है, जैसा कि आपको मालूम है आप लोग बहुत पीते कीवी पान रसना, बट पान रसना ज़्यादा डलवाते हो तो पान रसना ज़्यादा मत डलवाना माइल्ड में। तो माइल्ड में ऐसा करना है कीवी जो है 80% लेना है और पान रसना जो है 20% लेना है, तो इसी हिसाब से माइल्ड होगा। 10% भी डल सकते हो बट 10% में क्या होगा हुक्का आपका जल्दी जल जाएगा, तो हुक्का जल्दी नहीं जलाना है तो 20% ही डलाना, 30% भी डला सकते हो बट 30% थोड़ा मीडियम के आसपास हो जाएगा, तो 20% मेरे हिसाब से सही रहेगा। और अभी सेकेंड पे आते हैं माइल्ड में, तो वो है कीवी स्प्रिंग वाटर। कीवी स्प्रिंग वाटर भी बहुत चलता है, आपने पिया होगा, अगर नहीं पिया हो तो आप भी जाके पियो, ये बनाओ रेसिपी, जाके हुक्का मेकर को बोलो और प्रमोट करना भूलना नहीं है, मेरा चैनल का नाम बता देना। तो इसका जो है कीवी और स्प्रिंग वाटर का जो परसेंटेज है वो है 90% से लेके 10%। तो 90% जो है कीवी लेना है और 10% जो है स्प्रिंग वाटर लेना है। स्प्रिंग वाटर ज़्यादा मत लेना क्योंकि वो एकदम अजीब सा फ्लेवर आता है, तो स्प्रिंग वाटर ज़्यादा मत लेना। अगर आपको हैबिट है तो आप 20% डला सकते हो, 30% डला सकते हो, बट मेरे हिसाब से 10% सही रहेगा। तो सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो गया, थर्ड पे आते हैं लास्ट जो है एकदम लास्ट फ्लेवर है, ध्यान से सुनना। ये मोस्टली फ्लेवर स्टार्टिंग में आपने बहुत पिया होगा जब आपको फ्लेवर का नॉलेज नहीं होगा, जो जो वो तब बचपन में आते थे ना हुक्का पार्लर में, वो लोग को ये फ्लेवर बहुत पता होगा। एप्पल तो पता ही है सबको, बट ये फ्लेवर बहुत चलता है। अभी आप बता सकते हो कौन सा फ्लेवर बताने वाला हूँ मैं, लास्ट सबने पिया ये फ्लेवर, ये फ्लेवर मतलब फर्स्ट टाइम हुक्का पार्लर गया तो वो फ्लेवर ऑर्डर किया ही है। अगर जानते हो तो यहाँ कमेंट कर दो, वीडियो देखने से पहले, मेरे बोलने से पहले अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो, मैं चेक करूंगा बाद में और बताऊंगा आपने सही बताया कि नहीं बताया, वैसे ही बताने वाला ही हूँ। फिर भी कमेंट कर दो अगर आपको अभी मालूम है कौन सा फ्लेवर बोलने वाला हूँ मैं कोई स्ट्रॉन्ग में नहीं बोल रहा, मीडियम में नहीं, माइल्ड में नहीं। आप एक दिमाग में रखो, ऐसा मत सोचो कि माइल्ड फ्लेवर बोल रहे तो मतलब माइल्ड में कौन सा होगा, ऐसा नहीं। आप हुक्का पार्लर जब भी गए हो तो आपने हुक्का फ्लेवर ट्राई करे हो, आपके फ्रेंड को या किसी ने बोला होगा कि ये फ्लेवर ऑर्डर करो, ये फ्लेवर ऑर्डर करो, घर पे तो बहुत लोग पीते। तो चलो बता ही देता मैं इसी बात पे, तो वो है कीवी सालसा। कीवी सालसा का ऐसा फ्लेवर जो बहुत चला है, बहुत डबल एप्पल के टक्कर में आया था, एक टाइम ऐसा आया था कि डबल एप्पल के टक्कर में आया था वो कीवी सालसा। तो कीवी सालसा का फ्लेवर ऐसा है जो पाउच में जो आता है वो रियल फ्लेवर लगता है, मस्त लगता है, सेक्सी लगता है फ्लेवर वो। बट किसी को अगर आप हुक्का मेकर को बोलते कीवी सालसा बनाओ तो वो बराबर नहीं बना पाता है, जो फ्लेवर कीवी सालसा का आना चाहिए वैसा नहीं बना पाता। तो उसके लिए आपको ये करना होगा, उसको जाके बोलना पड़ेगा कि 60% जो है कीवी डालना और 40% जो है सालसा डालना, इतना ही नहीं बोलना है उसके आगे, और सुनो क्या बोलना है उसके आगे, ये भी बोलना है कि जो कीवी का जो रस है वो रस निकालने के लिए सालसा का जो रस है, जो फ्लेवर का लिक्विड आता है अंदर, लिक्विड रहता है क्योंकि सालसा मोस्टली लिक्विड से भरा हुआ आता है, पूरा लिक्विड से भरा हुआ रहता है पूरा, उसको निचोड़ के एकदम ये करना पड़ता है, स्क्वीज करना पड़ता है, तब जाके जब सूखा होता है तब डालना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको कीवी सालसा पाउच वाला फ्लेवर का टेस्ट चाहिए तो आपको कीवी जो है 60% डालने बोलना पड़ेगा और 40% सालसा डालना पड़ेगा, 50% भी सालसा डाल सकते हो, 50-50 भी कर सकते हो, बट स्क्वीज जरूर करना, ध्यान रखना स्क्वीज करने का घर पे बना रहे तो। अगर घर पे नहीं बना रहे हुक्का मेकर को बोल रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप उसको बोल देना स्क्वीज करने, रस निकालने, अगर वो रस निकाल रहा नहीं निकाल रहा आपको कैसा मालूम पड़ेगा मैं बताता हूँ। इटली के भाई मेरे को मार रहा है इन्होंने, कोई ये बोलेगा ये तो हुक्का मेकर का नाम खराब कर रहा है, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जो फ्लेवर जो आपका है अच्छा टीसू होता है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे सामने हुक्का रखा हुआ है तो उसमें बता रहा हूँ, अगर आपको उसने स्क्वीज करा होगा तो आपका फ्लेवर का लिक्विड, आपका जो टिश्यू लगा होता है, जो हुक्का पे टिश्यू लगा होता है ऊपर चिलम के नीचे,
तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा, ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा लाल दिख रहा है तो समझ जाना उसने स्क्वीज नहीं किया, क्योंकि ये रस का जो लिक्विड होता है ये टिश्यू पेपर पे लगता है, वो जब हीट होता है तो नीचे आता है, तो वो चीज ध्यान रखना। अगर ये ज्यादा लाल रहेगा तो समझ जाना उसने चुतिया बना दिया, आपका कट चुका है, आपने सोच लेना कि आपका कट कटा दिया उसने। तो हो गया, अभी फ्लेवर खत्म हो गया, चैप्टर भी क्लोज हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी लास्ट पार्ट है जो मेरे भाई ने कमेंट किया था मेरे को यूट्यूब पे कि तीन पान का रेसिपी बताओ। तीन पान का रेसिपी चलो बता ही देते। तो तीन पान में देखो, मैं तीन पान जो बनाता हूँ उसमें मैं तीन फ्लेवर ही डालता हूँ। तीन पान मतलब तीन फ्लेवर आएगा, और टेस्ट तो मैं वैसे ही देता जैसा पाउच में आता है। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, मखाई डालना पड़ेगा, पान मखाई, और सालसा डालना पड़ेगा, और सुपारी डालना पड़ेगा। और इफ अगर आपको ठंडा और चाहिए थोड़ा तो पान रसना डालना, अदरवाइज पान रसना डालने की जरूरत नहीं है। तीन फ्लेवर ही बहुत हो गया। और परसेंटेज जो है इक्वल इक्वल रखो, थोड़ा सालसा ज़्यादा रखना, सालसा थोड़ा है जो ज़्यादा रखना थोड़ा, बाकी जो सुपारी और मकाई है वो इक्वल रखना। पान रसना को साइड में रखो, अगर आपको ठंडा चाहिए तो पान रसना डालना, अदरवाइज मत डालना। और पान रसना जब हल्का टच डालना, क्योंकि ऑलरेडी पान का फ्लेवर है तो ठंडा ठंडा एकदम चोक होगा, वो जल भी जाएगा जल्दी, और रन होके वो धुआं धुआं ज़्यादा हो, मतलब गाढ़ा धुआं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी और थिक स्मोक निकलेगा, तो वैसा डेंस स्मोक नहीं आना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि पान फ्लेवर है पूरा, तो चोक मारेगा ज़्यादा। डेंस स्मोक आएगा बट चोक ज़्यादा मारेगा, तो इसके लिए इक्वल इक्वल रखना। तो खत्म हो गया फ्लेवर का रेसिपी, जो जो मैं बताने लगा था खत्म हो गया। और मेरे को मैं आप ही सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने वीडियो लेट बनाया है, मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता, मैं काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फ्री बैठा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, करो बस मेरे को टाइम जब भी मिलता है जब मैं बना रहा हूँ। अभी भी मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे को बहुत सारे लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, बट काम है भाई, काम पे डिस्टर्ब तो करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे तब जाके काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा है, मैं काम करता तो बिजी रहता हूँ, अदरवाइज तो मैं दिन भर ब्लॉग ही बनाता रहता हूँ, दिन भर आपको डब्बे का सब कुछ दिखाता था, बट काम करा थोड़ा बिजी होता था तो नहीं कर पाता हूँ। तो वीडियो को पसंद आई होगी तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नवे हो तो, और हो सके तो बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं जो जो नवी नवी वीडियो डालूंगा तो आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगी बेल आइकन से। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओ तो आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा, ये हो तो इसके लिए बेल आइकन दबा दो, आपके होम स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मैं भेज दूंगा होम स्क्रीन पे भेज दूंगा, मेरे सॉफ्टवेयर रेडी किया हो तो बेल आइकन दबा देना। और हो सके तो फ्रेंड को शेयर जरूर करना, आपके जो भी फ्रेंड होते हैं जो हुक्का घर में पीना चाहते हैं या किसी को नवा नवा कुछ वीकेंड में ट्राई करना है तो उनको ये शेयर करो वीडियो। और बहुत सपोर्ट है, थोड़ा सपोर्ट और चाहिए तो करो यार, कुछ तो करो कि सपोर्ट थोड़ा और मिले। अपने फ्रेंडों को शेयर करो ये चैनल के बारे में, मालूम पड़े कि यहाँ पर एक ऐसा भी चैनल है जो हुक्की के बारे में इतना सब कुछ मालूम पड़ता है। आपने देखा होगा कि हुक्की के बारे में इतना सब कुछ कोई नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता इतना सारे, जो मैं जैसा डिटेल में बता रहा हूँ तो वैसा कोई बताता नहीं है। तो ये फर्स्ट चैनल होगा मेरे ख्याल से इंडिया के लिए, फर्स्ट चैनल होगा, तो मैं ट्राई कर रहा अपने तरफ से, बट आपको भी ट्राई करना है, कुछ अपने तरफ से बेस्ट आपको भी देना है। तो आप जाके चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड लोग को, जितना हो सके शेयर करो, अपने स्टोरी पे डालो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो आईडी आ रहा है वो आईडी मेरे को टैग करके अपने स्टोरी पे डालो, और वहाँ पे मेंशन करो कि ऐसे ऐसा अकाउंट है, जाके उसके बारे में नॉलेज लो ऐसा सा। तो लव यू ऑल, आज का वीडियो यही खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में देखते क्या लेके आएंगे। तो मेरे स्टोरी पे अपडेट रहना, मेरे स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते तो फॉलो करो, वहाँ पर मैं अपडेट देते रहता हूँ क्या क्या वीडियो आने वाली है, और Q&A डालते रहता हूँ, क्वेश्चन के लिए डालते रहता हूँ, क्वेश्चन आंसर, तो वहाँ पर आप आंसर कर देना क्या क्या फ्लेवर चाहिए, क्या क्या नेक्स्ट टॉपिक में आपको देखनी चाहिए, तो आप डाल देना। बाय।